आजकल मेरे ख्याल से अगर किसी का भी हम टेस्ट कराएंगे तो उसके अंदर जनरली 75-80% लोगों के अंदर B12 की कमी नज़र आ जाएगी। इनका कहना क्या है कि इसमें एनिमल फूड जो है वो खाना ज़रूरी है, चाहे जानवरों से कोई भी आया हुआ, तो वो सच्चाई नहीं है। वास्तव में जो आज मीट और नॉनवेज खा रही है, आज वो उनसे कंपेयर कर रहे हैं हम शाकाहारियों को। हम तो फलाहार पे रहते हैं, मेवो नट्स और स्प्राउट्स पे रहते हैं और सालों से रह रहे हैं, और हम ये छाती ठोक के दावा करते हैं कि दुनिया की कोई ताकत हमें बीमारी नहीं दे सकती। अगर आपके खाना में शाकाहारी है तो बॉडी को B12 बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही है, तो फालतू B12 का क्यों हवा क्रिएट किया गया है। तो इसलिए हमारे किसी भी शाकाहारी लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, आप अपने खाने में प्रोसेस्ड टीन्ड कैन जंक फूड को खाना बंद करें। B12 का जो भूत है, मैं इसको भूत कहता हूँ, इसको उठाकर इसको फेंक दें जीवन भर से, इसका डर कभी जीवन में ना रखें। नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा और आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि विटामिन B12 क्या है, इसका क्या महत्व है हमारे शरीर में, कैसे ये पैदा होता है और क्यों हम ज़्यादातर केसेस में आजकल देख रहे हैं कि लोगों में विटामिन B12 की कमी देखी जा रही है, इसे कैसे पूरा किया जा सकता है, क्या कैसी हमारी दिनचर्या हो, कैसा हमारा खान पान हो कि ये समस्या हमारे सामने ना आए। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर NK शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर NK शर्मा आपका हमारे कार्यक्रम। आप सबको नमस्कार मेरा जी। डॉक्टर शर्मा, हम सबसे पहले बहुत ही बेसिक आपसे सवाल से शुरू करना चाहेंगे कि ये विटामिन B12 है क्या? देखिए, एक बॉडी कई तरह के एंजाइम्स क्रिएट करती हैं, उसमें B12 भी एक ऐसा एंजाइम्स है जो बॉडी खुद अपनी तरफ से डेवलप करती है। ये कोई बाहर से नहीं बॉडी में जाता जी। तो जनरली ये एक प्रकार से मैं ऐसा मानता हूँ कि इसका बहुत बड़ा एक वेस्टर्न मेडिसिन के कारण जो है ना, इसके ऊपर बहुत हाइप क्रिएट कर दिया गया है जी। ये भारत में इन चीज़ों की कभी कोई समस्या रही नहीं कभी आज तक जी। क्योंकि विटामिन B12 से लेकर जितनी भी ये समस्याएं बताते हैं, और ख़ास तौर पे ये बताते हैं कि ये शाकाहारी लोगों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जी। तो भारत चूँकि एक शाकाहारी देश रहा है जी, और मैं सालों से मैं ऐसे सब लोगों को जानता हूं जो शाकाहार में लंबी उम्र तक हमारे साथ जिए भी हैं, हमारे परिवारों में, मैंने कभी उनको थकावट या कोई प्रॉब्लम से जूझते हुए नहीं देखा कि B12 नहीं है इसलिए वो बीमारी में चले गए या प्रॉब्लम में चले गए। तो B12 जो है एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है कि आजकल मेरे ख्याल से अगर किसी का भी हम टेस्ट कराएंगे तो उसके अंदर जनरली 75-80% लोगों के अंदर B12 की कमी नज़र आ जाएगी जी। तो और इनका कहना क्या है कि इसमें एनिमल फूड जो है वो खाना ज़रूरी है, चाहे जानवरों से कोई भी आया हुआ, तो वो सच्चाई नहीं है। वास्तव में पहली बात है ये मिथ है। ये देखिए, मिथ किस सेंस में कि जो लोग एनिमल प्रोटीन्स खाते हैं जी, तो उनकी बॉडी में एक प्यूट्रिफिकेशन यानी कि एक सड़न पैदा होती है। तो वो सड़न के कारण क्या होता है कि हमारे लीवर को इस एंजाइम्स को डेवलप करना पड़ता है, उसको मतलब काउंटर करने के लिए, एक प्रकार से यूँ समझ लें। तो अब उनके शरीर में जब भी अगर वो चेक करेंगे तो B12 काफ़ी मात्रा में मिलेगा, क्योंकि वो एनिमल प्रोटीन्स खा रहे हैं। हम लोग चूँकि एनिमल प्रोटीन्स नहीं खाते हैं तो हमारे बॉडी में जो है उसकी मात्रा कम मिलेगी, या जितना ये नॉर्मल रेंज की मानते हैं वो उस रेंज में हमारे अंदर नहीं मिलेगी। आज ये B12 को लेकर जो मापदंड मेजरमेंट करते हैं, ये किस आधार पर करते हैं? ये उस जो 80% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो आज मीट और नॉनवेज खा रही है, आज वो उनसे कंपेयर कर रहे हैं हम शाकाहारियों को जी। तो इसीलिए ये कोई ओरिजिनल कंपैरिजन भी नहीं है, पहली बात तो ये मान के चलना पड़ेगा। और ये भी जो एक हाइप है कि हमें एनिमल प्रोटीन नहीं खाया तो हमें B12 नहीं मिलेगा और हम कई तरह की बीमारियों में जाएंगे, तो मैं सबसे पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, आज मेरा अपना परिवार है, हम लोग तो अन्न दाल भी कम खाते हैं जी, और हम तो फलाहार पे रहते हैं, मेवो नट्स और स्प्राउट्स पे रहते हैं और सालों से रह रहे हैं, और हम ये छाती ठोक के दावा करते हैं कि दुनिया की कोई ताकत हमें बीमारी नहीं दे सकती। और हमारे लिए थकावट भी एक बहुत बड़ी समस्या है, मतलब हाउ टू गेट टायर्ड इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम फॉर अस। तो सवाल पैदा क्या होता है, अगर मान लो मेरे ब्लड में अगर कोई टेस्ट किया जाए और B12 कम मिल गया जी, तो
B12 क्या और 50 मिनरल कम होने देना भाई, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है, मैं कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा हूँ, तो अब ऐसे हजारों विटामिन कम होने दो ना, तुम अपने टेस्ट में ढूंढते रहो ऐसे सारे विटामिन। जी तो एक ही मिथ है और ये बाजार ने इसको क्रिएट किया है। हाँ, और क्रिएट किया गया है। और दूसरी बात है कि ये कोई बाहर से दिया नहीं जा सकता कि आप बाहर से खा लोगे तो आपकी बॉडी में B12 आ जाएगा। ये तो ऐसे ही हुआ कि जैसे आपने घर में एक थैली लाके घर में रख दी और बोला देखो जी आपके घर में ये सामान आ गया, वो झूठा सामान है, वो आपका नहीं है, आपसे क्रिएटेड नहीं है जी। तो बॉडी जो है हमेशा अपने आप में जैसा भी भोजन आता है ना उसको अकोमोडेट करने के लिए एंजाइम्स को जो है मैनेज करती रहती है। तो इसलिए अगर आपके खाने में शाकाहारी है तो बॉडी को B12 बनाने की कोई जरूरत ही नहीं महसूस हो रही है, तो फालतू B12 का क्यों हवा क्रिएट किया गया है। जी। तो इसलिए हमारे किसी भी शाकाहारी लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपने जीवन में अच्छी ऊर्जा चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए, तो अपने खाने को जितना प्राकृतिक नेचुरल होलसम फूड के साथ जोड़ सकते हैं, होलसम लाइफस्टाइल के साथ जोड़ सकते हैं, नेचुरल लाइफस्टाइल के साथ जोड़ सकते हैं, तो ये B12 ने, ये कैल्शियम ने, आयरन ने, फलाना ने, ढीकड़ा ने, ये सारी लैंग्वेज को उठा के फेंक दें, क्योंकि ये आदमी को बीमार किए जा रही है जी इस तरह से। तो बिल्कुल आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में क्या कहना चाहेंगे अगर उनके सामने इस तरह की दिक्कत आती है, उनको कहा जाता है कि उनके उनमें विटामिन B12 की कमी है, तो अब उन्हें क्या करना है? नो, यू जस्ट इंक्रीज, यू चेंज योर लाइफ स्टाइल टू ए हेल्दी लाइफ स्टाइल। आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, आप अपने खाने में प्रोसेस्ड टीन्ड कैंड जंक फूड को खाना बंद करें, ये बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी और ये सब चीज़ें जो लेते हैं उनकी मात्रा बहुत कम करें, और जितना नेचुरल रॉ फूड को इस्तेमाल कर सकते हैं करने की कोशिश करें। और तो उससे क्या होगा कि कम से कम बॉडी को टॉक्सिक खाना कम जाएगा और हेल्दी खाना ज़्यादा जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है आदमी एनर्जेटिक महसूस करेगा, और अगर साथ में माइंड पॉजिटिव है और अच्छा एनवायरनमेंट है आसपास में, तो फिर उसके थकने का या और कोई प्रॉब्लम आने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए ये B12 का जो भूत है, मैं इसको भूत कहता हूँ, इसको उठाकर इसको फेंक दे जीवन भर से, इसका डर कभी जीवन में ना रखें जी। तो विटामिन बी का जो भूत है उसको अपने सर से उतार दें, इसके से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, शाकाहारी लोगों को इसकी जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। यू बिकम फ्रूटेरियन, B12 यू डोंट नीड B12 फॉर फ्रूटेरियंस, B12 इज नॉट नीडेड जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एन के शर्मा जी हमसे चर्चा करने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए कि किस तरह से अलग अलग जो हेल्थ इश्यूज हैं उन पर आपकी क्या राय है और किन चीज़ों की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और एक अच्छी दिनचर्या, एक शांत मन, एक शांत दिमाग और नेचुरल वातावरण में आपको रहने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।